सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी जूझना ना छोड़े जब तक आप अपना निर्धारित स्थान ना पा लें, जो कि सबसे अलग है। जीवन में एक लक्ष्य बनाए लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहें, कड़ी मेहनत करें और लगन से महान जीवन को प्राप्त करें। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल और कठिन होगा, लेकिन परसों जीत अवश्य मिलेगी। आज का पंचांग 7 नवंबर 2020, दिन शनिवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह 7:23 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 8:05 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:24 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। मीन राशि 7 नवंबर 2020, दिन शनिवार। जो लोग आप पर निर्भर हैं, वो आपकी चिंता कर सकते हैं। कड़ी मेहनत करें और अपनी आने वाली दुनिया में आपको अच्छा भाग्य मिलेगा। अगर आपके परिवार या परिजनों को आपकी जरूरत है तो उनके आराम को प्राथमिकता दें या शायद उनके साथ रहने के लिए एक छोटी सी यात्रा करें। घर या व्यापार में नई परियोजनाओं और कार्यों की शुरुआत होगी। अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति से संतुष्ट न होने की वजह से आप अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे। अगर आप मुसीबतों से भागते हैं तो आप नई शुरुआतों को न्योता देते हैं। समय समय पर चुनौतियों व मुसीबतों का सामना करना ही जीवन का सत्य है। कोई लगातार पूरी वफादारी सहायता और समर्थन से आपके साथ बना हुआ है। आज आपके पास इसका बदला उतारने और उसका साथ देने का एक मौका आएगा। आपको उसका साथ देने में एक मुश्किल स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है, पर अनंततः इससे आपका रिश्ता मजबूत ही होगा। आपको दया और कृतज्ञता दिखाते हुए बहादुर बने रहना होगा। सावधानियां। आज आपको पैसों का लेन देन करते समय सावधान रहना होगा। आज आपको बैंक के मसलों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका पैसा भी रुक सकता है। आपको छोटी छोटी बातों पर भी अपना समय व्यर्थ करना पड़ सकता है। बात करते हैं अब लव लाइफ की। आपको अपने संबंध के बारे में स्पष्टता से देखने और कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना बनावटी चश्मा उतार कर देखना होगा। किसी भी संबंध को या मान करके यह तो होना ही था, या फिर केवल सामाजिक दबाव के चलते सहन ना करें। यह जांचने की कोशिश करें कि क्या आप इससे खुश हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो इस रिश्ते से बाहर आने का यह सबसे अच्छा समय है। इस समय आप अपने प्रेम के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए भी हो सकते हैं और यह महसूस भी कर रहे हैं कि कोई अलौकिक शक्ति इस रंग को और भी गहरा बना रही है। दुर्घटना से आज आप चिंतित हो सकते हैं। आज आप लव लाइफ और रोमांस के बारे में विचार कर सकते हैं। रिश्ते में यह जरूर जाने कि इसमें क्या कमी है और किन कारणों से आप दोनों दूर हो रहे हैं। एक छोटे से बदलाव का प्रभाव पूरी उम्र रहेगा। बात करते हैं करियर की। अपने अंतरात्मा की सुने और अपने कोई भी निर्णय उनके परिणामों के बारे में जानकर लें।
कौशल प्रतिक्षण या नया ज्ञान अपनी प्रदर्शन को बेहतर बनाने के अच्छे तरीके हैं। अपने दिनचर्या को बदलकर आप अपनी व्यवहार या आदतों को सुधार सकते हैं। किसी पर तुरंत विश्वास ना करें, जैसे धोखे से बचें। नई परियोजनाओं या कार्यों का शुरू होना आज आपके कार्य में है। कोई भी काम करने से पहले योजना बना ले, इससे नुकसान होने की संभावना कम होगी। आप अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए आज पैसा कमाने की नई योजनाओं के बारे में भी सोच सकते हैं। मार्केट की स्थिति को देखकर ही निवेश करें। बात करते हैं सेहत की। आज आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। दुर्भाग्यवश आप खुद को आलसी और हतोत्साही महसूस करेंगे। आपको पता है कि जिम जाना चाहिए, परंतु आप जाएंगे नहीं। ध्यान रखें कि आज आप अच्छा खाएं, अन्यथा आपकी तबीयत गिरी से महसूस होगी। आप कल से फिर व्यायाम करना शुरू कर देंगे। आज का उपाय, आज आप शनि देव की पूजा अर्चना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।